जमशेदपुर लोकसभा स्तर आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष इस सभा में उपस्थित केंद्र प्रधान महेंद्र प्रवक्ता आजसू पार्टी के केंद्र उपाध्यक्ष सफल टीचागढ़ विधानसभा प्रभारी आप मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन जाहिर। जैसे कि आज आप हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर क्षेत्र में हमने अपने पार्टी की तरफ से पकाई जाती है जो रोटी मेहनत की कमाई से। अगर आंदोलन का नेता है इसे दर्द है झारखंड के लिए, झारखंड की सरजमीन के लिए, जल जंगल जमीन के लिए। और सब लोग क्या से हम सब सुदेश महतो जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ चलेंगे। कोई सुदेशाबाद तख्त बदल दो, ताज बदल दो, झारखंड में इस बेईमानों का राज बदल दो। जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद सर। और मैं जिला कमेटी से आग्रह करूंगा कि बड़े माला पोल आ रहा, पोल 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 पीछे आइए ना, पीछे पोल आ रहा, पोल भैया ये बांस आ रहा रखे हैं सामने वाले के लिए। जितने की आवश्यकता है ये बात सही है कि हमारे जो भाई रामचंद्र सरीस जी ने कहा कि झारखंड आंदोलन में ऐसा कोई जिला नहीं, ऐसा कोई जगह नहीं जो हम लोग मिलकर इस अलग राज्य की संघर्ष में भागीदारी नहीं रहा। और आज झारखंड होने के बाद इस समय जो झारखंड के शासन चल रहा किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज राजा को राजपाट करना चाहिए, लेकिन आज राजा राजपाट छोड़ के कहां पर है इसको आपको सोचने की जरूरत है। और उसका कारण क्या है ये भी जानने की जरूरत है। आज यह जन जंगल जमीन या कि लोगों को सुरक्षित के लिए रोजगार के लिए आज लोग पलायन कर रहे हैं, उसकी जिम्मेवारी कौन है? माइंस बंद है, लीज का नवीकरण नहीं हो रहा, इसकी जिम्मेवारी कौन है? आज अगर स्टेट गवर्नमेंट सतर्क रहता जो आज केनाड़ी सूरदा राखा चापड़ी जैसा हजारों लोग आज उस जाकर रोजगार मिलता, लेकिन राज्य सरकार की उदासीनता का कारण, इसका सहयोग नहीं मिलने का कारण आज लोग रोजगार से वंचित हो जा रहे हैं, लोग की पलायन हो रहा। हम क्यों जाएं? हम कहे जाएं कोयम्बटूर केरल, हम क्यों जाएं मध्य प्रदेश, हम क्यों जाएं बॉम्बे, हम क्यों जाएं जम्मू कश्मीर, जबकि अकूत संपत्ति के भंडार आज यहाँ पर स्थापित है। इसके बावजूद आज हमें रोजगार के लिए बाहर करना जाना पड़ता है। और अगर हम कुल्हन को देखें तो ही पर देखें ये उलगुलान क्रांति का प्रतीक है, उसी का नाम है। एक ऐसा क्रांति करो जिससे न्याय मिले, और ये नाम अभी दिया। और पूरे भारत के नेता, पूरे देश के नेता आज नाची आ रहे हैं। मुझे पूछा किसी ने कि भाई आज पूरा देश का नेता रांची आ रहा है, क्या बोलना चाहते हैं? मैंने बोला अच्छा लग रहा है कि पूरा देश का लोग आज रांची आएगा, रांची को कम से कम देख के जाएगा। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो कोई भूमिका उनका रहेगा नहीं। वो आएंगे मंच में आएंगे और चले जाएंगे, और क्या मांगेंगे? वो अन्याय के खिलाफ न्याय मांगने के लिए आएंगे, यही तो मांगने आएंगे। अन्याय क्या है? तो अन्याय ये है कि जांच एजेंसियों को काम अपना बंद करना चाहिए, लूट का छूट मिलना चाहिए, और भ्रष्टाचार को ही आदर्श आचार हमें लागू करना चाहिए। शायद यही इजाजत मांगने के लिए यहां पर आ रहे हैं। यही कह रहा हूं कि भाई भारतीय जनता पार्टी आज सुबह इस गठबंधन और देश के अंदर एनडीए का विकल्प आपके पास क्या है? देश के अंदर ये गठबंधन क्या काम करने के लिए आना चाहता है? मैंने कहा कोई आपके पास ना राष्ट्रीय संकल्प है ना मोदी का कोई विकल्प है, इसलिए कोई इसका दूसरा रास्ता हो नहीं सकता, कोई विकल्प दूसरा नहीं हो सकता। इनके कोई नेशनल कमिटमेंट नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर पर ये दल अलग अलग है। बंगाल में जाइए, ममता दीदी और कांग्रेस मेल नहीं खाता है, वहां मेल नहीं खा रहा है। और ये राष्ट्रीय पटल पर नेतृत्व मांगने पूछो कि आप ये चुनाव देश का नेता चुनने का है,
कि देश का नेता चुनने का यह चुनाव है। हमने 10 साल तक मोदी